फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप थायल एजुकेशन में। आज हम टेस्ट सीरीज 5 करेंगे, तो ये हरियाणा पुलिस और एचएसएससी ग्रुप डी के आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो है ये करनाल जिले में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये करनाल के गांव अंजलथली में बनाई गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि घुमंतू अर्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर बलवान सिंह, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में हरियाणा की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी इसका आंसर है, गौरी श्योराण। तो गौरी श्योराण जो है ये दादरी की रहने वाली है। चौथा क्वेश्चन है कि देश की पहली ऐसी जेल जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि अटल सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है कहाँ पर है? तो ये है जींद। जींद में जो जेल है उसके अंदर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि अटल सेवा केंद्र की सबसे पहले शुरुआत की गई है देश में। तो ये है जींद की जिला कारागार है। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं, तो इनका आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के कॉमेंट में। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा कब शुरू किया था? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए 22 अप्रैल 2017, बी 13 अप्रैल 2017, सी 3 अप्रैल 2017 या डी 12 अप्रैल 2017। तो इसका आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला साइबर थाना कहां पर खोला गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद या डी पलवल। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप जो है वो मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो मैंने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे तो उनके आंसर भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि 7 स्टार विलेज योजना की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों, 7 स्टार विलेज योजना की शुरुआत कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने की है और इसकी शुरुआत जो है वो 26 जनवरी 2017 को की गई थी। तो इसके तहत जो है वो गांवों को अलग अलग मापदंडों के आधार पर 7 स्टार जो है प्रदान किए जाते हैं और उसके तहत जो है वो पुरस्कार राशि भी है कि जितने स्टार होंगे उतने लाख रुपए जो है वो उसे प्रदान किए जाएंगे, यानी कि अगर 1 स्टार है तो 1 लाख रुपए और अगर 5 स्टार है तो 5 लाख रुपए। और दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2018 में किस राज्य की पुलिस को बेस्ट पुलिस बताया है? तो इसमें जो वो हरियाणा की पुलिस को बेस्ट पुलिस का अवार्ड मिला है और दिल्ली की पुलिस को सबसे खराब जो पुलिस का अवार्ड जो है वो स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे आने वाले इसी तरह के वीडियोस अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जो है वो हर रोज़ एचएसएससी ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और आगे जो है वो आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रगतिशील विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति बनाई जा रही है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 35वीं सीनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है पानीपत में। तो पानीपत में जो है वो 27 से लेकर 31 मार्च 2018 तक ये चैंपियनशिप आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के 71 साल बाद हरियाणा के किस गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया है? तो दोस्तों, ये है ऑप्शन बी इसका आंसर है, रोहनाथ गांव, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है रोहनाथ गांव। तो यहाँ पर जो वो पहली बार आज़ादी के बाद तिरंगा फहराया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ई चालान लागू करने वाला हरियाणा का पहला जिला
कौन सा बना है। तो सबसे पहले ई चालान सिस्टम जो है वो गुरुग्राम में लागू किया गया है, उसके बाद जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको लागू किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइटर विमान MiG-29 को उड़ाने वाली पहली सिविलियन भारतीय महिला कौन बनी है। तो दोस्तों ये है मेघा जैन, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मेघा जैन जो है वो फरीदाबाद से बिलोंग करती है और इनका नाम जो है वो लिम्का बुक में भी दर्ज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स माता मनसा देवी मंदिर जो है वो पंचकुला में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में पहली बार असमिया भैंस का क्लोन जो कि सच गौरव नाम से है वो कहाँ पर पैदा हुआ है। तो सच गौरव जो है ये हरियाणा में पैदा हुआ है। तो हरियाणा के अंदर जो यूनिवर्सिटी है हिसार में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि HAU, तो इसके अंदर जो ये सच गौरव क्लोन पैदा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया सॉफ्टवेयर कब से लागू किया है। तो ये किया गया है 1 अप्रैल से जो इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसके तहत जो वो मनरेगा के जो काम है उनके सभी एस्टिमेट इसी सिक्योर सॉफ्टवेयर के द्वारा अब तैयार किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि TB रोगियों को इलाज के लिए हर महीने ₹500 की योजना कब से शुरू हुई है। तो ये योजना जो है वो 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुई है। तो सरकार ने जो है वो TB को जल्द ही समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसीलिए जो TB के जो रोगी हैं उनके लिए सरकार जो है वो मदद भी मुहैया करा रही है। उनके जो है वो थूक की जांच और एक्सरे इत्यादि भी मुफ्त किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि हिसार में आयोजित मिस हरियाणा एशिया पैसिफिक 2018 प्रतियोगिता का विजेता कौन बना है। तो दोस्तों इसका आंसर है मेहर गिल, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो मेहर गिल जो वो अंबाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रदेश में पहला राज्य स्तरीय चौकीदार सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है हिसार में। तो हिसार में जो है वो 2 अप्रैल 2018 को हिसार जिले के महावीर स्टेडियम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है वो इसका उद्घाटन किया था। मनोहर लाल खट्टर जो है वो इसमें मुख्य अतिथि थे। फ्रेंड्स अगर आप को वेबसाइट पे देखने हो ये क्वेश्चंस, तो मैंने वेबसाइट बना रखी है हरियाणा करंट GK.com नाम से। तो आप जो है वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस है और जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे। तो आप मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। आपको नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम है HaryanaCurrentGK.com। तो 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये जो है करनाल में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा के करनाल में जो है ये राष्ट्रीय भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग का कार्यभार अब कौन संभाल रहा है। तो ये जो है पहले कविता जैन के पास था, परंतु अभी जो है ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पास रख लिया है। तो अब सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग का कार्यभार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कॉमनवेल्थ खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो नीरज चोपड़ा जो है वो पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा था उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियोस के लिंक आपको प्रदान कर दूंगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राज्य में नया ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा जींद से सोनीपत तक, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं। तो दुष्यंत चौटाला जो है वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दुष्यंत चौटाला जो है वो हिसार से सांसद हैं और INLD के युवा नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है
कि हरियाणा प्रदेश में 32 करोड़ रुपए की लागत से प्रिंट एवं पैक, बेकरी और फार्मा पार्क कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे करनाल में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि देश का वह पहला राज्य जहां से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई है, तो ये हुई है हरियाणा से। तो हरियाणा से जो है, हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना 15 अगस्त को शुरू की गई थी और पूरे देश में जो है वो 23 सितंबर से इसको लागू किया गया है। तो आयुष्मान योजना के तहत किसी भी गरीब व्यक्ति को अपनी गंभीर बीमारी के लिए बड़ा ऑपरेशन करवाने या उसका इलाज करवाने के लिए सरकार की तरफ से मदद प्रदान की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है, कृष्ण कुमार बेदी। तो कृष्ण कुमार बेदी जो है वो राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि केंद्र सरकार ने किन राज्यों में गेहूं एवं धान की फसल के अवशेष प्रबंधन के लिए 1100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों तीन राज्य हैं, तो ये है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इस समय जो है डॉक्टर दिलीप सिंह हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं हर रोज HSSC ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट अपने आप जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।